चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी तीन क्लास पहले से अपलोड की जा चुकी हैं और हमने कुछ समसामयिकी को लेकर भी कुछ वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो मकसद है एग्ज़ाम में वो पॉइंटों को ध्यान रखना है जिसको अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि हमने कंप्यूटर को टारगेट किया, यूपी को टारगेट किया, इसके अलावा हमने साइंस को भी टारगेट किया अपनी तीन क्लासों में। अब हमने आगे अपनी फोर्थ क्लास को बढ़ाते हैं। फोर्थ क्लास में हम लेके सबसे पहले हिंदी, अब लेके हम बात करते हैं अपनी रीजनिंग क्लास में। रीजनिंग की क्लास में आज जो हमने फोर्थ क्लास में अपना टॉपिक लिया है वो है बैठने की व्यवस्था, मतलब किस तरीके की व्यवस्था पूछी जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्यवस्था होती है बैठने की, या तो रेखीय होगी या वो व्यवस्था वृत्तीय होगी। इसमें दो ही व्यवस्था बनती है, या तो उनको एक लाइन में बैठाया जाएगा या एक गोल मेज पे बैठाया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्थाएं बनती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेखीय व्यवस्था के बारे में कि किस तरीके से इसके कुछ नोकों हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो जैसा कि मैंने जब आपको डायरेक्शन संबंधित क्लास दी थी और आपको बताया था, एक मैंने साइन बताया था, आपको याद होगा स्वास्तिक जिसको बोलते हैं, मैंने एक साइन बनाया था, अगर आपको ये याद है। इसी के आधार पे हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे और जल्दी से जल्दी, हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमने ये भी नहीं देखा दाएं क्या है बाएं क्या है, हमें सिर्फ देखना है कि उस जो हमने ये फिगर बनाया है स्वास्तिक का, ये किस तरीके से वर्क करता है इस चैप्टर पे। और हमारा बड़े से, जिसलिए मैंने चार तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, एक मैंने लेंथी क्वेश्चन लिया है, एक उससे थोड़ा छोटा, क्योंकि हमें देखना है कि हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को किससे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है स्वास्तिक, हम इस साइन को बना लेते हैं क्योंकि हमें समझने में, पर अब देखिए, अब लेते हैं क्योंकि इसमें समझना है सिर्फ इससे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चनों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया है किस प्रकार है, पांच लड़कियां हैं जो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी हैं, पी क्यू आर बीच में, पी जो है क्यू आर के बीच में है जबकि क्यू एस के बाएं है, एस व टी छोरों पर है, ठीक बीच में कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि छोरों पे कौन है, एस और टी, हमने क्या किया छोरों पे एस और टी लिख दिया। उसके बाद इसने क्या बोला कि पी क्यू आर, ये दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं, पी जो है क्यू और आर के बीच में है, हमने लिख दिया क्यू और आर के बीच में कौन है, पी जो क्यू और आर के बीच में लिख दिया, चलो, जबकि क्यू एस के बाएं हैं। अब देखिए, जब वो दक्षिण की तरफ खड़ा है, दक्षिण मतलब ये, इस साइन पे ध्यान दीजिए, ये दक्षिण की तरफ खड़ा है तो इसका बाएं किधर होगा, बाएं होगा इधर, तो ये जो है क्यू जो है एस के बाएं है, कौन है बाएं, क्यू किसके, एस के, तो इसके किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, एस के मतलब क्यू एस के बाएं है, तो यही क्या बन गई सीरीज, हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो ये पूछा ठीक बीच में कौन है, तो ठीक बीच में कौन है, पी। तो इसी से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन किसके बाएं है। जैसे इसने पूछा क्यू एस के बाएं है, अब इसको हम देखते बाएं एस का बाएं किधर होगा, जब ये दक्षिण दिशा में होगा तो बाएं इसका इधर होगा और दाएं इधर होगा, इस साइन से हम लगा सकते हैं। तो हमने बता दिया कि भाई ये जो एस के, जो क्यू है एस के बाएं है, तो क्यू जो है एस के बाएं है। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन कैसा किया हमने, कितना समय लगा, जरा सा समय लगा, कोई मिस्टेक नहीं हुई। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यह है कि जे के एल एम एन और ओ छह लड़के हैं, एल के ठीक बाई ओर खड़ा है, ओ के दाई ओर खड़ा है, मतलब एल जो है के ठीक बाई ओर खड़ा है और ओ के दाई ओर खड़ा है, चलो ठीक है, एम बाई ओर से पांचवें स्थान पर है, तो छोरों पर अगर उनके किनारों पर जे और एन है तो दाई ओर से क्यू का स्थान क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि छोरों वाला अगर बात कर रहा है तो कौन सा होगा, इसने बोला जे और एन, हमने लिखा, हमने यहाँ पे लिख लिया भाई, इसने बोला जे और एन, हमने लिख दिया जे और एन, ये दोनों छोरों पे हो गए। उसके बाद इसने क्या बोला, एल के ठीक बाई ओर खड़ा है, देखिए जब हम इसको उत्तर दिशा मान लेते, क्योंकि इसमें कोई दिशा निर्देश तो दिया नहीं है कि वो दक्षिण की तरफ खड़ा है या उत्तर की तरफ खड़ा है, हमने माना कि उनका जो मुंह है वो उत्तर की ओर है, तो इन्हें बोला एल के ठीक बाई ओर है, हमने मान लिया एल जो है के ठीक बाई ओर है, जब उत्तर दिशा में होते हैं तो बाई किधर होता है, इधर होता है, तो ये हो गया एल जो है के ठीक बाई ओर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, खड़ा है और ओ के दाई ओर खड़ा है, जो एल है ओ के दाई ओर खड़ा है, तो एल ओ के दाई ओर खड़ा है मतलब इधर, तो ओ इधर आ गया। फिर क्या, एम बाई ओर से पांचवें स्थान पर है, ठीक है,
एम बाई ओर से पांचवें स्थान, मतलब इधर से पांचवें स्थान पर, 1 2 3 4 5, तो यहां पे आपका आ गया एम, सही है। तो दाई ओर से ओ का स्थान क्या होगा, तो दाई ओर से ओ का स्थान क्या होगा, 1 2 3 4 5, ओ का स्थान क्या होगा, 5। आंसर सवाल आ गया, कितना कम समय लगा, जब हमें इसका पता है कि दाएं किधर है बाएं किधर है, तो हमें 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगे हमको इसको सॉल्व करने। हमने बता दिया कि भाई इसने बोला जे और एन छोरों में, हमने मान लिया। उसके बाद इसने बोला एल जो है के ठीक बाई ओर है, एल जो है के ठीक बाई ओर भी हो गया, क्योंकि हमको पता है जो उत्तर दिशा में होता है तो बाई इधर होता है। उसके बाद इसने हमसे बोला कि ओ के दाई ओर खड़ा है, जो एल है ओ के दाई ओर खड़ा है, तो ओ के दाई ओर भी हो गया। हम जानते हैं कि दाया जो होता है उत्तर दिशा में इधर होता है, समझ में आया आप लोगों के। उसके बाद इसने बोला जे एन किनारों पर है, तो दाई ओर से ओ का स्थान क्या है, बाई ओर से ऐसे होता है, दाई ओर से इस तरीके से देखते हैं। हमने तुरंत बता दिया कि भाई जो ओ है उसका दाई ओर से स्थान पांचवा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगा, पल भर समय लगता है। ये तो हमें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वक्त लग जाता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे और जब आपको इसको सही तरीके से यूज करना आ जाएगा तो इजी, बहुत कम समय में इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ही एक और सवाल है, देखिए एल एम एन और पी पांच बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। एल का पड़ोसी पी है, हमने कोई एल मान लिया, एल का पड़ोसी पी मान लिया, हमें नहीं पता कहां है। एल का पड़ोसी पी है पर एन नहीं, ठीक है। एन का पड़ोसी पी है पर ओ नहीं, एन का जो पड़ोसी है वो क्या है, पी है। तो मतलब एन का पड़ोसी पी है पर ओ नहीं, ठीक है। ओ दाई छोर पर है, दाई छोर कौन सा होता है, दाई छोर इधर होता है, तो दाई छोर इधर होता है, ओ इस छोर पर आ गया, ठीक है। एम का बाई ओर से क्या स्थान होगा यदि एम किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक है। जब ये किसी भी छोर पे नहीं है, इसने बोला एन पी का पड़ोसी है लेकिन ओ का नहीं, तो यहां तो ओ का बन रहा है, इसका मतलब जो यहां पर है ये, यहां पे क्या होगा, एम होगा। दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। उसने बोला कि एल एम एन ओ पी पांच बच्चे हैं एक पंक्ति में खड़े, एल का पड़ोसी पी है, ठीक है, एल का पड़ोसी पी हो गया पर एन नहीं है, एल का पड़ोसी पी है लेकिन एन नहीं है, ठीक है, एन नहीं है। उसने बोला एन का पड़ोसी पी है, ठीक है, एन का पड़ोसी पी हो गया पर ओ नहीं है, ओ नहीं है, ये बात भी सही है। फिर कह रहा है एम का बाई ओर से क्या स्थान होगा, ओ दाई छोर पर है, ये भी हमने मान लिया। तो फिर एम का क्या स्थान होगा बाई ओर से, तो बाएं इधर से होता है, तो एम का क्या स्थान होगा, चौथा स्थान। कितना समय लगा, जरा से समय लगा। ये सवाल दिखते लंबे हैं लेकिन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक हमने एक और लेंथी क्वेश्चन लिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये मैं रेज कर देता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, पी क्यू आर एस टी यू बी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, उत्तर की ओर, मतलब हमें तुरंत ही याद रहना चाहिए अपना ये। क्यू किसी एक छोर पर बैठा है, ठीक है, हमने लिख दिया क्यू एक किसी एक छोर पर बैठा है, ये पांच चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला तथा आर उसका पड़ोसी है, ठीक है जी, आर उसका पड़ोसी हो गया, फर्स्ट हमारा खत्म। फिर एस पी और आर के बीच में बैठा है, ये भी हमने मान लिया, एस जो है पी और आर के बीच में बैठा है, चलो ठीक है, ये बात भी एग्री से हो गई, इससे भी हो गए हम लोग। यू पश्चिम की ओर से सिक्सवां स्थान है, तो पश्चिम मतलब इधर से उसका कौन सा स्थान है, सिक्स, हमने माना 1 2 3 4 5, यहाँ एक सिक्स, यहाँ पे कौन सा आ गया, यू आ गया, चलो ये भी हमने मान लिया। जिसके बाई ओर बी बैठा है, अब देखिए उत्तर दिशा में बायां किधर होता है, बायां इधर होता है, तो यहाँ पे बी बैठा हुआ है, चलो ये भी बात हमने मान ली। एस और बी के बीच में अधिकतम 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस और बी के बीच में अधिकतम 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ये नहीं कि बैठे हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बचा टी, टी आप यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, भाई इसमें बोला 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, हम यहां भी ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें पूछ रहा है कौन से ऐसे 2 व्यक्ति हैं छोरों पे हैं, हो गया क्यू और टी छोरों पर है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद बोलता है कौन सा समूह है जिसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, कौन सा समूह है, मतलब उसमें कोई आंसर दिया होगा आपको एग्जाम में, तो आप बोल सकते हो भाई आर और बी ऐसा समूह है जिसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद आता है आपका कौन सा समूह है जिसके, हाँ यू के बाई ओर कौन है, तो यू के बाई ओर जब उत्तर दिशा में बैठे हैं
तो यू के बाई ओर कौन होगा, तो आपको पता है बाया किधर है, बाया इधर है, तो यू के बाई ओर कौन हो गया, बी। तो इसके साथ ही हमने समझा रेखीय के बारे में किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसलिए सॉल्व लेंगे। अब हम बात करते हैं वृत्तीय के बारे में। वृत्तीय स्थिति मतलब गोले कार स्थिति में कोई बैठा हुआ है तो उसकी स्थिति कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगाएंगे बाएं तरफ है या दाएं तरफ है। तो रेखीय स्थिति के बारे में जाना, अब देखते हैं वृत्तीय स्थिति के बारे में। सर्कल में एक तरीके सर्कल में कैसे बैठते हैं, कैसे इसका पता लगाएंगे राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा इजी, उससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं। वैसे तुमको मालूम है मैंने एक स्वास्तिक बनाया था, तो आपको पता है ये जब कोई ऊपर उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठता है तो उसका राइट किधर होता है लेफ्ट किधर होता है, आपको पता है इधर उसका राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। तो इसी तरीके से ऐसा है कि अगर कोई सर्किल में केंद्र की तरफ मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, इसकी दो ही स्थिति होती हैं। पहली स्थिति क्या कहती है, अगर कोई मतलब सर्किल के चारों तरफ कोई केंद्र के की तरफ मुंह करके बैठा है तो क्या होगा, और केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है तो क्या होगा। इसको समझते हैं हम, आप क्वेश्चन के तरीके से, एक क्वेश्चन हमने लिए हैं उसके तरीके समझेंगे और कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से चलता है, अगर कोई व्यक्ति इधर बैठा हुआ है तो आपसे पूछे कि इसके बाएं कौन सा होगा, तो बाएं किधर बैठेगा, इधर बैठेगा, और दाएं इसके किधर होगा, इधर होगा। तो ये नॉर्मल आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने क्वेश्चन लिया उसके बारे में। ये कहता है कि 6 लड़कियां हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी, पहली स्थिति के बारे में बता रहा है, मुंह करके खड़ी हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सबसे पहले 6 लड़कियां हैं, आपने क्या किया, तुरंत एक 6 बिंदु ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे क्या होता है कि हमें याद रखते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, तुरंत बना लीजिए। उसके बाद उसने हमसे बोला, बैठी हैं अनीता, चलो इधर आके बात कर लेते हैं, अनीता प्रतिमा के ठीक बाईं ओर है। अब देखिए जब ये किधर है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, हम इसमें से एक को मान लेते हैं अनीता को, ये हमने मान लिया अनीता। तो अनीता जो है प्रतिमा के ठीक बाईं ओर है, तो इसका बाईं ओर ठीक बाईं ओर है ये, तो ये कहाँ होगी प्रतिमा, प्रतिमा कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इस साइड में जो होता है बायां होता है और इस साइड में जो दायां होता है। उसने बोला प्रतिमा के ठीक दाएं हैं, चलो ये बात हमने मान ली। उसके बाद बोलते हैं संगीता अमीषा व लक्ष्मी के बीच में बैठी है, सही है, संगीता जो है अमीषा और लक्ष्मी के बीच में बैठी है, हमने मान लिया कोई भी, हाँ कि भाई संगीता है ये अमीषा और लक्ष्मी के, रफली मान लिया कि बीच में बैठी है। उसके बाद क्या कहता है, गौरी अनीता और अमीषा के बीच में बैठी है, जो गौरी है वो अनीता और अमीषा के बीच में बैठी है, गौरी हो गया। इजीली आपको दो तीन सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है कि इसके, कुछ लोग ऐसे बताते हैं दो तीन स्थिति बताते हैं फिर उनको जोड़ते हैं कि फिर इस तरीके की स्थिति आएगी, सीधा सर्किल में पॉइंट दे दीजिए जैसे जैसे बोल रहा है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसका बायां किधर है उसका दायां किधर है। अगर आपको उसके राइट और लेफ्ट के बारे में पता है तो कितना भी हार्ड तरीके से पूछता है उसको आप इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है पूछता है, ये बताइए लक्ष्मी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो लक्ष्मी के ठीक बाईं ओर लक्ष्मी किधर है, ये तो इसका बायां, देखिए इधर इसका बायां और इधर इसका दायां, तो इसके बाईं ओर कौन आ गया, कौन बैठा लक्ष्मी के बाईं ओर, प्रतिमा। क्या आंसर आ गया इसका, समझ में आया भाई, दोबारा से देख लीजिए एक बार और। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि 6 लड़कियां हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, हमें पता है जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं तो उसका इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, बैठी हैं एक वृत्ताकार घेरे में बैठी, अनीता प्रतिमा के ठीक बाईं ओर है, हमने मान लिया अनीता जो है प्रतिमा के ठीक बाईं ओर है क्योंकि इधर इसका बायां, इसका इधर बायां होगा। चलो संगीता अमीषा व लक्ष्मी भी हमने किधर भी मान लिया, संगीता लक्ष्मी और इसके बीच में है, चलो गौरी अनीता व अमीषा के बीच में है, उसने बोला गौरी अनीता और अमीषा के बीच में है, ठीक है, लक्ष्मी के ठीक बाईं ओर है, हमें इधर से पता है इधर से जाएंगे लक्ष्मी के बाईं ओर कौन आएगा, प्रतिभा। सवाल समझ में आया, एक बार करके देखेंगे तो इजीली कोई भी सवाल होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो देखने में काफ़ी लेंथी लगते हैं और लगता है कि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इसमें कोई वक्त नहीं लगता, अगर यदि आपको लेफ्ट और राइट पता है तो इजीली जहां आपको पढ़ने में इतना वक्त लग जाएगा तो सॉल्व करने में वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए इसको पूरा ना पढ़ते हुए साथ ही साथ पॉइंट वाइज इसको सॉल्व करना चाहिए। कि कोई कुछ लोग ऐसे करते हैं पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले जो वो कहता है उसको स्टार्टिंग से ही करते रहिएगा। जैसे इसमें ये क्या कहता है ये देखते हैं हम लोग, 6 सुरक्षाकर्मी हैं
दिए हुए हैं हमको, एक नेता है जिसकी सुरक्षा में ये लगे हुए हैं, ठीक है। सभी नेता को वृत्ताकार घेरे में घेरे हैं, सभी सुरक्षा समूह केंद्र के विपरीत दिशा में है, मतलब केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो मतलब लेफ्ट इधर और राइट इधर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो डी ई के बाईं ओर है। सबसे पहले मैंने माना कि 6 मान लेते हैं जिससे कि हमें गलती होने के आसार कम हो। हमने मान लिया 6 हो 8 हो, पहले आप इस तरीके से बिंदु मान लीजिएगा, इससे क्वेश्चन सही होने के आसार ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जो ये कहता है, देखिए हमें ये पता है इधर इसका राइट होता है और इधर इसका लेफ्ट होता है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में बैठे हैं। अब आइएगा डी ई के दाईं ओर है, ठीक है। हम पहले कोई पोजीशन पे किसी को बैठा लेते हैं, डी को बैठा लेते हैं, ये हमने यहाँ डी बैठा दिया। अब ये कह रहा है डी ई के दाईं ओर है, दाईं मतलब बोलते हैं दायां, मतलब बोलते हैं राइट, तो डी जो है ई के दाईं ओर है, तो डी जो है ई के दाईं ओर है, हो गया ई के दाईं ओर हो गया। अगर ये उत्तर दिशा की तरफ होते तो ये ई यहाँ पर होता, समझ में आया। इसके बाद पहला पॉइंट हो गया। फिर कहता है एफ ई के बाईं ओर से तीसरा है, एफ जो है ई के बाईं ओर से, मतलब ई के बाईं ओर, मतलब बाईं ओर ऊपर हो गया इसका, इससे कहाँ तीसरा है, 1 2 3 यहाँ पे आ गया आपका एफ, समझ में आया। इसके बाईं तरफ जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे। फिर यह कह रहा है और बी के ठीक बाईं ओर है, एफ जो ई के बाईं ओर से तीसरा है और बी के ठीक बाईं ओर है, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन सा हो जाएगा भाई, बी है तो बी, बी के ठीक बाईं ओर हो गया ना, बी के ठीक बाईं ओर है ये, चलो ये भी हो गया, दो पॉइंट हमारे पूरे। फिर कह रहे हैं ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ है, ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ है, चलो भाई ए के बाईं ओर, बाईं इधर है एफ है, ये भी बात, मतलब हमने तीन पॉइंट पूरे हो गए। सी ई तथा बी के बीच ठीक बीच में है, जो सी है ई तथा बी के, सी जो है ई तथा बी के ठीक बीच में है। दोबारा से देखिएगा, ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ है, ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ है, ठीक है। डी ई के दाईं ओर है, डी जो है ई के दाईं ओर है, चलो डी जो है ई के दाईं ओर भी हो गया, चलो ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ है, ये पोजीशन भी देखते हैं हम। ये गलती से ई है, क्योंकि कुछ मैं दोबारा देख लीजिए, ये ई है ये एफ नहीं है, ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या है ई है, ए के द्वारा से बनाते हैं क्वेश्चन में, थोड़ी मिसप्रिंट थी, फिर से देख लेते हैं। फिर देखिए क्या कहता है वो, 6 सुरक्षाकर्मी हैं ए बी सी डी ई एफ, जिसमें 6 से पहले हम सबसे पहले 6 सुरक्षाकर्मियों को मान लेते हैं। तो ये जो ई था ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो दोबारा से देखते हैं फिर से कि 6 सुरक्षाकर्मी हैं ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल पे पहले 6 डिनोट कर लेते हैं भाई 6, जिससे कि गलत ना हो हमसे कुछ, यानी हमने इसे डिनोट किया। उसके बाद जो हमसे कहता उस तरीके से करते जाइएगा, ये एंटी मतलब उसके विपरीत बैठे हैं, मतलब केंद्र की तरफ ना होके मुंह इनका केंद्र के विपरीत मुंह है, तो आपको पता होना चाहिए कि इधर ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, अर्थात ये इसका दायां होगा और ये इसका बायां होगा, समझ में आया, दायां बायां भी। उसके बाद जो कहता है डी ई के दाईं ओर बैठा है, डी ई के दाईं ओर बैठा है, चलो ठीक है पहली बात हो गई। एफ ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, एफ जो है ई के बाईं ओर से, बाईं ओर इधर से जाएंगे तो एफ यहां पे आ जाएगा क्योंकि बायां ये इधर चलेगा। उसके बाद क्या कहता है और बी के ठीक बाईं है, चलो ठीक है क्योंकि बी का ठीक बायां किधर होगा, इधर होगा, ये दो बात भी हमने मान ली। ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ई है, तो ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ई भी हो गया, चलो ये बात भी हो गई। अब क्या है सी ई, सी जो है ई तथा बी के ठीक बीच है, सी इधर हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये बताइए डी के बाईं ओर कौन है, सी के दाईं ओर कौन है, एफ के दाईं ओर कौन है, तो इजीली कितना, ये सवाल को सिर्फ पढ़ने में वक्त लगता है, पेपर में कभी कभी एग्जाम में क्या होता है जब हम इस सवाल को देखते हैं एग्जाम के अंदर तो हम लोग डर जाते हैं कि ये सवाल तो हमसे नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम सिर्फ, हमें क्या जानना होता है राइट और लेफ्ट, कि सी दाया क्या है बाया क्या है, अगर हमको इसका ध्यान है तो कितना भी लेंथी किसी भी तरीके से वो हमसे पूछे
आप उसको इजीली तरीके से सॉल्व कर देंगे, और तभी भी इस तरीके सवाल को छोड़ के ना आए, उसको एक बार जरूर पढ़ लें और कोशिश करेंगे तो सवाल जरूर सॉल्व होगा। इसी के साथ हमारी जो रीजनिंग क्लास है वो समाप्त होती है, और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी जो भी इतनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं सभी आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई वीडियो समझ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे नीचे जो कमेंट है उसमें कमेंट लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।